हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक शॉपिंग हॉल। मैंने अभी लास्ट वीक कुछ मैक्सी गाउन्स ऑर्डर की थी अमेजोन से। मेरी एनिवर्सरी थी तो मैंने सोचा था उसके लिए मैं कुछ मैक्सी ड्रेस पहनूंगी। अनफॉर्चुनेटली उनमें से मुझे कोई फिट नहीं आई, बट मैंने ये सोचा कि मैं उन्हें रिटर्न करने से पहले आप लोगों को दिखा दूँ, सो दैट जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है वो आपके साथ ना हो एंड आप उन चीज़ों का ध्यान रख सकें जो गलती मैंने की है। तो उसके लिए आपको मैं तीनों का ट्राई ऑन हॉल करके दिखाऊंगी एंड साथ के साथ इंडिविजुअली भी सारी ड्रेसेस दिखा दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सो ये है फर्स्ट काउंट, जो मतलब आई थी थर्ड, बट मैंने इसका ट्राई ऑन हॉल में मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे दिखाया है, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। ये है ब्लैक एंड रेड कलर में, इस तरह से देखिए, आपको भी दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही होगी ये। एंड इसका साइज है मीडियम एंड इसका ब्रांड है, मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ। एंड बाकी जो भी इसकी प्राइस वाली डिटेल्स होंगी, साइज एंड ब्रांड, वो सब मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, इधर अभी या फिर ट्राई ऑन हॉल के टाइम पे। तो इस तरह से है ये, इसमें फ्लेयर्स हैं, बट जैसे ड्रेस में फ्लेयर होती है ना, एक गाउन में वो वाली फ्लेयर नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ कुर्ती, जैसे आप लॉन्ग वाला एक कुर्ता ले लेते हो ना, उस तरीके का लुक आ रहा है। एंड मेरे लिए तो ये छोटी निकली, मीन्स मेरे को ऊंची है, और अगर मैं हील पहनूंगी तो और भी ऊंची लगती है, तो बिल्कुल मेरे पे बिल्कुल नहीं सूट हो रही है। एंड साथ के साथ थोड़ी लूज भी है, तो इनकी साइज चार्ट में मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने अकॉर्डिंगली ही मंगाया था, बट कोई मुझे टाइट आई है, कोई मुझे लूज आई है, तो इसमें भी ऐसी ही कुछ कमी रही है। अगर इसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होती तो आई थिंक मेरे पे ये बेटर लगती, क्योंकि लेंथ की वजह से ये बहुत ऑड लग रही है। तो मैं आपको नेक्स्ट कुर्ती दिखाती हूँ, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट वन। इन तीनों में से जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी फर्स्ट टाइम जब मैंने पहनी थी, तो वो यही कुर्ती थी। ये दिखने में भी बहुत अच्छी है, पहन के भी बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए इस तरह से है ये, ये निटेड है आगे आपका, एंड इधर आपकी वेस्ट पे भी ये निटेड आएगा। एंड बैक का डिज़ाइन इसका बहुत ही क्यूट है, ये पूरा नेक का है, इसमें आपको ट्रांसपेरेंट स्टेप वाली ही पहनने पड़ेगा आपको अपना इनरवेयर। इस तरह से इसका फ्रंट का लुक है, एंड नीचे भी बहुत अच्छी वाली फ्लेयर्स हैं, जो एक गाउन में आपको चाहिए होती हैं वो वाली फ्लेयर्स हैं। एंड ये पहन के बहुत ही ग्रेसफुल लग रही थी, बट मुझे ये थोड़ी सी वेस्ट में टाइट है। मैं चाहूँ तो इसे रिप्लेस करके एक साइज़ बड़ा ले सकती हूँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे पास सेम बिल्कुल एग्जैक्ट कलर का एक और गाउन है, जिसकी क्लिप भी मैं दिखा दूँगी, आप लोगों ने मुझे देखा होगा। बस एक कमी रही इस बार के हॉल में, कि जो कलर आपको दिख रहे थे पिक्चर में एंड जो आए हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। ये आई थिंक मेंशन था वाइन, बट वाइन के टाइम पे भी उसमें डार्क मरूनिश टच आ रहा था, बट ये निकला पर्पल। तो ये एक गलती है उधर से भी एंड मेरी तरफ से भी, कि मुझे वाइन कलर का ध्यान रखना चाहिए था। एंड उन्होंने भी जो क्लिप दिखाई थी वो वाइन कलर नहीं लग रहा था। तो अदरवाइज़ ये ड्रेस बहुत अच्छी है, आप लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं, बट एक बार साइज़ से आप ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड इसका साइज़ मैं मेंशन कर दूँगी ऊपर नीचे, क्योंकि मैं अभी, हाँ अभी बता देती हूँ, आई एम सो सॉरी। इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है मीडियम एंड इसका MRP लिखा है 2100, बट ये 1000-1200 के बीच में ही है ये सारी ड्रेसेस। एंड ब्रांड है रासप्रेथ। एंड मैं दिखाती हूँ आपको थर्ड वाली से मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ, शायद मैंने उसका साइज़ बड़ा मंगा लिया है। ये लार्ज में, बाकी दोनों मीडियम में थी, ये लार्ज में है, पता नहीं मैंने लार्ज क्यों मंगाया, मुझे भी ध्यान नहीं है, या तो मीडियम नहीं होगा या मेरे साइज़ में लार्ज ही आ रहा होगा जो मैंने चेक की होंगे। ये भी पर्पल आ गई एंड ये बिल्कुल मरून दिख रही थी, मैं आपको इसका एक्चुअल फ़ोटो दिखाऊंगी, जो साइड पे दिख रहा था बिल्कुल मरून कलर था। मैंने यही सोच के दोनों ड्रेसें ऑर्डर की थी कि रेड शेड में कुछ मिलेगा तो एनिवर्सरी पे पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, एक तरफ तो ऐसा लग रहा है जो रात को सोने वाला गाउन होता है उसी तरह से इसको पहन लो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। इसका ये जो है अंडरआर्म्स वाला स्लीव्स वाला पोर्शन, ये काफ़ी ब्रॉड है, तो आपको इनरवेयर उसके हिसाब से पहनना पड़ेगा, या आप चाहें तो यहाँ पर एक टाका भी लगा सकते हैं। दोनों ही साइड से ये है एंड यहाँ फिटिंग के लिए जिप दे रखी है, बट ये ऑलरेडी मुझे लूज़ है तो मेरे को तो एक बार में सीधी चढ़ गई। इस तरह से इसमें फ्लेयर्स हैं, बस ये प्लेटो वाली ही फ्लेयर्स है, फैली वाली फ्लेयर्स नहीं है, वो वाली फ्लेयर्स सिर्फ पर्पल वाले में ही हैं। तो इसका लुक इस तरह से है एंड जो एक्चुअल लुक आएगा पहन के वो आपको ट्राई ऑन हॉल में दिख जाएगा। तो ये थी वो तीनों ड्रेसेस जो मैंने आपको दिखा दी, आप देखिए इसका ट्राई ऑन हॉल।
सो ये है फर्स्ट कुर्ती एंड इसका फ्रंट का लुक है इस तरह से। यहाँ पे रेड एंड ब्लैक कलर में डिज़ाइन है एंड दूर से आप देख सकते हैं ये कुर्ती मुझे कितनी ऊंची है। मैंने बहुत ही थोड़ी सी हील पहन रखी है एंड ये ऑलरेडी मुझे ऊंची है। अगर मैं पार्टी वेयर के हिसाब से हील पहनूंगी तो ये बहुत ज़्यादा ऊंची होगी। इसकी स्लीव्स पे भी नेट का वर्क है एंड जो फ्रंट का डिज़ाइन है उसमें भी ब्लैक कलर का नेट का वर्क है। ये मैं आपको एक क्लोजअप लुक फिर से दे रही हूँ। ये है नेक्स्ट वन एंड इसमें प्रॉपर गाउन का लुक आ रहा है। आप इसकी फ्लेयर्स को देख सकते हैं ये कितनी प्रॉपर फ्लेयरी हैं एंड बिल्कुल फ्रॉक वाला लुक आ रहा है एंड मैं आपको पूरा घूम के दिखा रही हूँ। इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, 5'4" मेरी हाइट है एंड आई थिंक 5'6" तक की हाइट तक का कोई भी इंसान इसे अच्छे से पहन सकता है। ये है इसका फ्रंट लुक। ये आप देखिए नेक पर इस तरह से नेट है एंड वेस्ट पे भी है। अब मैं आपको इसका बैक का डिज़ाइन दिखाती हूँ। बैक पे इस तरह से ये बड़ा सा एक बो बना रखा है। जो एक कमी है इसकी वो यही है कि ये मुझे यहाँ पर वेस्ट से इस तरह से टाइट है तो जैसे ही मैं सांस अंदर करती हूँ ये लूज़ हो जाता है एंड जैसे ही नॉर्मल सांस लेती हूँ ये मुझे टाइट हो जाता है। तो बस यही एक कमी रही है इस ड्रेस की। अदरवाइज़ लुक की बात की जाए तो ये बहुत ही क्लासी ड्रेस है। एंड दिस इज़ द लास्ट वन। ये है पर्पल पिंकिश कलर में एंड आपको ऑलरेडी ये दिख रही होगी मुझ पे बहुत ज़्यादा लूज़ है। इसकी फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही फ्लेयर्स हैं एंड इसकी भी लेंथ मेरे लिए थोड़ी ऊंची है। मैंने इसका लार्ज में साइज़ ऑर्डर किया था इस वजह से ये मुझे थोड़ी ज़्यादा लूज़ हो गई है। अगर शायद मैं स्मॉल ऑर्डर करती तो ये थोड़ी सी बेटर होती। ये मुझे वेस्ट में, चेस्ट में, हर जगह से लूज़ है एंड इसकी फिटिंग भी उतनी अच्छी नहीं आई है जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। फ्रेंड्स अब आप देख चुके हैं कि एक्चुअली ये ड्रेसेस मुझ पे कैसी लग रही थी एंड किस तरीके का लुक आ रहा था। अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेस मंगानी हो तो मैं सजेस्ट करूंगी पर्पल वाली मंगाइए। बट वेस्ट एंड चेस्ट में आप एक साइज आगे पीछे, या मीन्स मैंने ये मीडियम मंगाया था तो मुझे थोड़ा सा वेस्ट पे टाइट था, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक साइज आप बड़ा मंगाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था एक छोटा सा हॉल अमेजोन मैक्सी गाउन मैक्सी ड्रेस का हॉल। अगर आपको ये रिव्यू एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड आप किसी और वेबसाइट की ऑनलाइन शॉपिंग का कोई हॉल देखना चाहते हो तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी सेल चलती रहती है एंड मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ तो जो भी होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।